नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। बात करते हैं मार्केट्स की कल के लिए। आज आप देखोगे तो क्लोजिंग होते होते निफ्टी में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की तेजी है। इंट्राडे में ये ऑलमोस्ट 550 पॉइंट ऊपर था और एक न्यू ऑल टाइम हाई। मुझे तो 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस चीज़ की। कल मैंने आपसे बहुत क्लियरली बोला था कि यहाँ पे अगर नीचे का मूवमेंट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, वरना मार्केट साइडवेज रह सकता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और दूसरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इक्विनॉक्स, जो कि थोड़े दिनों तक है, फेड का इवेंट भी है, तब तक थोड़ा सा चौपी रह सकता है। तो आज का दिन चौपी ही जा रहा था काफ़ी हद तक, बट वहाँ पे मार्केट में सेकंड हाफ में हुआ एक धमाका। अब न्यूज़ वगैरह मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, देखूंगा रात को सुनूंगा कुछ न्यूज़। बट जिस तरह से मार्केट मूव कर रही थी, मुझे लग रहा था कि ये इधर ही इसी तरह से सेशन ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 बजे एक बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में इनिशिएट हुआ। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था बट हुआ। अब जो हुआ उसके हिसाब से चार्ट पे आगे क्या दिखाई देता है उसको डिस्कस करेंगे। पहले निफ्टी को करते हैं, फिर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो, निफ्टी में आपको अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ढूंढनी हो तो आप बैक जाओगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगी। सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये है और आज की कैंडल उससे भी ऑलमोस्ट डबल साइज की है। सो वेरी पावरफुल कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल है। अभी इस तरह की कैंडल मुझे एक और जगह दिखती है जस्ट लेफ्ट साइड पर देखने पर, वो है ये। ये कैंडल ने भी ऐसे एकदम से बड़ा सा ब्रेकआउट किया था, ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया था। उसके बाद देखोगे तो हुआ क्या था यहाँ पे कि मार्केट 3-4 दिन 5 दिन एकदम चौपी हो गई थी, एंड देन वहाँ से फिर एक सडन फॉल आ गया था। तो अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग ही होगा देखना। देखो, अगर ये ब्रेकआउट में दम है, स्ट्रांग है, तो मार्केट क्या करेगी ना, इस एरिया को छोड़ के थोड़ा ऊपर दूर निकल जाएगी। उस केस में होता क्या कि जो आपने रूल समझा हुआ टेक्निकल एनालिसिस का, वंस अ रेजिस्टेंस ब्रोकन एक्ट एज अ सपोर्ट। तो फिर क्या होगा, अगर फ्यूचर में अगर मार्केट ऊपर निकल गई और फिर वापस कभी फॉल भी आएगा ना, तो ये एरिया डिमांड का काम करेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। बट अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, यहीं पे कहीं पे स्ट्रगल करने लग गई अगले 2-4 सेशन, तो वहाँ पे दोनों साइड के लिए लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट वाले भी करेंगे बट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट वाले भी अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर देते हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट सही है, दमदार है, तो मार्केट को यहाँ से थोड़ा कंटिन्यूसली निकल जाना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, कल फ्राइडे है, कल के लिए हम यहाँ पे सिंपल रखेंगे अपना ट्रेड प्लान। जब तक ये जो आज की कैंडल है इसके आधे के नीचे नहीं आता मार्केट, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बेरिश नहीं सोचेंगे और जिस फेवर में ब्रेकआउट आया उसी फेवर में ट्रेड करेंगे। इसका आधा अगर आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट लेवल आएगा 25,180 का, 25,180-200। ये जो राउंड लेवल एरिया है, इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तो ही हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव सोचेंगे, और अदरवाइज यहाँ पे विथ द ट्रेंड जाएंगे। अगर आपको समझ में आए, ट्रेड कर पाओ, कोई पैटर्न मिले और एंट्री मिले तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये ओवरऑल कल के लिए मार्केट के ऊपर मेरी राय रहेगी। 15 मिनट का चार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, थोड़ा सा डिस्कस करूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग यहाँ पे रह सकता है। तो देखो, यहाँ पे पिछले जितने भी हाई लगे हैं उनको अगर मैं इस तरह से लाइन से ड्रॉ कर दूँ तो हमें दिखाई देगा कि कॉमनली ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट का, और इस सब एरिया के मार्केट ऊपर निकल गया है। तो जब तक हम लोग जैसे अभी बात किए, अगर मार्केट इसी एरिया में ऊपर कहीं पे बना रहता है, गैप अप खुलता है, तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी, कोई पैटर्न बना, लेट से ये थोड़ा साइडवेज जाता है, डिप लेता है, तो यहाँ पे एक तेज़ी के बाद अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो जनरली वो फ्लैग पैटर्न होता है। फिर हम एक वापस अगेन नेक्स्ट अप मूव को प्लान करेंगे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह बना के। बट अगर इसको नीचे आना होगा तो ये हमेशा फास्ट होता है डाउन मूव, और ये टाइम नहीं लगाएगा 25,200 के नीचे आने में, चाहे ये सुबह आ जाए या फिर 11-12 बजे के बाद आ जाए। 25,200-150 ये सब एरिया जब ये तोड़ेगा अगर नीचे की तरफ, तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि जिन्होंने इसमें बाय किया और सोचा ब्रेकआउट आ गया, ये जब 50% से ज़्यादा रिवर्स हो जाएगा तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। तो अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो 25,000, जैसा कि आपको बताया, 180 अप्रॉक्स या फिर 150-200, ये सारा जो लेवल है इसके नीचे आने पे हम करेंगे ब्रेकआउट फेलियर के लिए ट्रेड करेंगे। पॉसिबिलिटी ये भी रह सकती है कि मार्केट थोड़ा सा कल के दिन में फर्स्ट हाफ साइडवेज जाए, एंड देन सेकंड हाफ में अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, फ्लैग पैटर्न, बट अदरवाइज सेकंड हाफ में अगर ये नीचे आने लगता है तो वहाँ पे हम उसको थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं कोई सपोर्ट लेवल टूटने पे शॉर्ट करने के लिए। अभी यहाँ पे आज का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड नहीं था बट आया है, और उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा आपको ब्रेकआउट और बुलिश साइड पे काम करके ज़्यादा मज़ा आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ ना, एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन जो बन रही थी उसको इसने आज ब्रेक किया है। पिछले हाईस को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ बैंक निफ्टी के मेजर हाईस को, तो ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनी है। एग्जैक्टली तो नहीं, मैंने अप्रॉक्सीमेटली बनाई है। तो यहाँ पे मल्टीपल हाई लगे थे, ये वाला हाई भी लग गया इस पे, ये वाला हाई भी लग गया इस पे, तो ये इसको पार नहीं कर पा रहा था। आज इसने इसके ऊपर भी क्लोजिंग करी है, ना सिर्फ उतना, इसने ये जो अभी तक की एक हाईएस्ट क्लोजिंग थी इसके भी ऊपर निकल के बंद किया है। तो
तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे पैटर्न अच्छा है, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड लाइन भी टूटी है और बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे ये जो स्विंग आई था ये वाला, यहाँ पे भी यही वाला आई था, इधर भी लगभग यही वाला आई था, इसके भी ऊपर निकला है। तो यहाँ पे जिस तरह का ये ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी को यहाँ पे अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन स्विंग्स तक पहुँचने में। तो बैंक निफ्टी के टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, वहाँ पे आप टारगेट कैसे निकालोगे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको यू नो 1000 पॉइंट का टारगेट पहला ये वाला स्विंग हाई दिखाई देता है, और उसके बाद फिर उसके फर्दर ऊपर 500-600 पॉइंट ऊपर का सेकंड टारगेट दिखाई देता है। तो यहाँ पे T1 T2 इस तरह से आप लेके प्लान कर सकते हो। अभी देखो अगर मार्केट में बुलिश है और ब्रेकआउट भी आया है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पे इसको टाइम नहीं लगना चाहिए ऊपर जाने में। ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट अभी इतनी जल्दी ब्रेकआउट कर देगा, मैं तो डाउनसाइड का सोच रहा था, बट अभी ब्रेकआउट आया। तो पहला प्लान हमारा मार्केट के हिसाब से, प्राइस को फॉलो करेंगे, भाव भगवान है, तो यहाँ पे जो मार्केट करेगी उसके हिसाब से चलेंगे। तो कल अगर कोई बुलिश एंट्री बनती है बैंक निफ्टी में तो बाय साइड पे सोचेंगे। तो बैंक निफ्टी में 51,500 अभी एक सपोर्ट का काम करेगा, पहले रेजिस्टेंस था, और 500 के आसपास 550-600 इस एरिया में कोई एंट्री मिलती है तो बाय करना चाहिए। टारगेट यहाँ पे पोजिशनली जिस तरह से सब कुछ समझ में आ रहा है चार्ट पे 52,700 का निकल के आता है, लगभग 1,100 पॉइंट का ये टारगेट है, उसके बाद 53,000 एक राउंड लेवल है जो कि नियर ऑल टाइम हाई है, तो उस तक का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आती है अगर ये ब्रेकआउट में दम है। और इसको टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो बैंक निफ्टी भी निकल जाना चाहिए। अगर इसको निकलना होगा तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में जाएगा, तो अगेंस्ट द ट्रेंड में जाइएगा। शॉर्ट करना हो बैंक निफ्टी तो देखो सेम रूल जो निफ्टी वाला है, आज के कैंडल के आधे के नीचे आने तो फिर ट्रैक करेंगे। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जब तक लेट से 51,350 या 400 इसके नीचे नहीं आता, हम लोग यहाँ पे नेगेटिवली अवॉइड करेंगे। अभी अगर मार्केट आपको लेट से 51,300 से लेके 600 के बीच में ट्रेड कर रही है तो वहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। 600 के ऊपर निकलता है तो टारगेट ऊपर का बता दिया, नीचे निकलता है 300 के तो नीचे का टारगेट थोड़ा बताया, बट बीच में रहता है मार्केट। तो आज एक ट्रेंडिंग मूव आया तो हो सकता है कल एक पॉज ले, देन मंडे को कंटिन्यू करे, तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा तो ही आपको काम करना है। एंड हर एक मूव कैप्चर करने वाला नहीं होता, आज जितना साइडवेज जितना चौपी मार्केट था इट कुड हैव गॉन इधर वे, अगर कैप्चर हो पाता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता, बट अगेन यहाँ पे मैं साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई नहीं थी। एंड इतने बड़े कैंडल बनने के बाद फिर क्या होता है कि पोजीशन फ्रेश पोजीशन बनाना स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे कैन बी वेरी रिस्की, यहाँ पे टाइम ही कोई खास नहीं मिला तो ये मूव हाथ से मिस हो गया। आई विश कुड हैव कैप्चर्ड, करवा पाता कैप्चर बट हो नहीं पाया। एनीवेज कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। अभी सिंपल है, कल आपको जैसा कि मैंने बताया एक बड़ा मूवमेंट आया, अगर मार्केट थोड़ा सा इसी एरिया में यहाँ पे इस तरह से कुछ थोड़ा कंसोलिडेट करती है, टाइम पास करती है और फिर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन बना लेंगे। अगर कोई ब्रेकआउट आता है सेकंड हाफ में तो हम उसके लिए प्लान करेंगे फ्लैग पैटर्न, एंड अगर ये बुलिश है तो ये निकलने की कोशिश करेगा दूर, बुल्स इसको और ऊपर लेके जाएंगे 25,500-600, और जितना ये ऊपर निकल जाएगा उतना फिर ये सेफ होता जाएगा क्योंकि फिर कभी कोई फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग या फॉल भी आएगा। तो ये सब एरियाज जो है 25,000, 25,100, 200 ये सब जो अभी के रेजिस्टेंस है तब सपोर्ट का काम करने लग जाएंगे। बट अगर ये स्ट्रगल करने लग गया या कल वापस नीचे आने लग गया, इसके आधे के नीचे आ गया, तो फिर वहाँ पे पैनिक क्रिएट होगा, और पैनिक के अंदर आपको पता है दोस्तों कि मार्केट थोड़ा सा आजकल बहुत फास्ट गिरती है क्योंकि हाई लेवल्स चल रहे हैं। तो पैनिक एरिया के अंदर अगर मार्केट आता है तो ही सेलिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे विद दी फेवर ऑफ द ट्रेंड में हम जाना पसंद करेंगे। ये ओवरऑल कल के लिए व्यू है। थैंक यू, हरे कृष्णा।